नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार के 7 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बारे में। नंबर 7वें पर हम बात करेंगे कीर्ति आजाद की। कीर्ति आजाद का पूरा नाम कीर्तिवर्धन भागवत झा आजाद है। कीर्ति आजाद अपने समय के एक हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने साल 1977 से 1993 के बीच 142 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिसमें उन्होंने 31 की औसत से 15,414 रन बनाए। इंटरनेशनल करियर की अगर हम बात करें तो कीर्ति आजाद ने भारत की तरफ से साल 1980 से 1986 तक 7 टेस्ट मैच और 25 एक दिवसीय मुकाबले खेले हैं। उनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में 2 जनवरी 1959 को हुआ था। आजाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे हैं। वर्तमान में कीर्ति आजाद राजनीति में सक्रिय हैं। वो साल 2009 से 2019 तक भाजपा की तरफ से लोकसभा के सदस्य रहे। फरवरी 2019 में वो भाजपा को छोड़ कांग्रेस में चले गए थे। नंबर 6 पर अब हम बात करेंगे सुब्रतो बैनर्जी की। सुब्रतो तारा बैनर्जी का जन्म 13 फरवरी 1969 को बिहार के पटना में हुआ था। सुब्रतो बैनर्जी ने साल 1991 से 92 में भारत की तरफ से 1 टेस्ट और 6 एक दिवसीय मैच खेले हैं। 1992 वर्ल्ड कप में वो भारतीय टीम का हिस्सा थे। आपको बता दें, सुब्रतो बैनर्जी ने जो अपना एकमात्र टेस्ट खेला था, उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने भी अपना टेस्ट डेब्यू किया था। वो टेस्ट भारतीय टीम बिना किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ उतरी थी। चौथे स्पिनर के तौर पर खेल रहे सुब्रतो बैनर्जी ने उस मुकाबले में मार्क वॉ, मार्क टेलर और जोफ मार्श जैसे बल्लेबाजों को आउट किया था। 5वें नंबर पर अब हम बात करेंगे सबा करीम की। 14 नवंबर 1967 को बिहार के पटना में जन्मे सैयद सबा करीम भारत की तरफ से खेलने वाले एक विकेटकीपर बल्लेबाज थे। उन्होंने साल 1997 से 2000 के बीच भारत की तरफ से 1 टेस्ट और 34 ओडीआई मैच खेले। करीम ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत बिहार की तरफ से महज 15 साल की उम्र में ही कर ली थी। 1990 से 91 रणजी ट्रॉफी में सबा करीम ने अपने करियर का बेस्ट स्कोर बनाया। ओडिशा के खिलाफ उन्होंने 234 रनों की अद्भुत पारी खेली। सितंबर 2012 में सबा करीम को ईस्ट जोन के लिए नेशनल सिलेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद जनवरी 2018 में सबा करीम को बीसीसीआई द्वारा क्रिकेट ऑपरेशन के जनरल मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया गया। अब 4वें नंबर पर हम बात करेंगे अनुकूल रॉय की। 30 नवंबर 1998 को बिहार के एक छोटे से गांव भेरहा में जन्मे अनुकूल सुधाकर रॉय भारत की तरफ से 2018 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इतना ही नहीं, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं। उन्हें लोग प्यार से समस्तीपुर का रविंद्र जडेजा भी कहते हैं। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत साल 2018-19 रणजी ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से खेलते हुए किया। अनुकूल रॉय 9 मैच में 30 विकेट लेकर झारखंड की तरफ से पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बने थे। 2018-19 में ही उन्होंने अपने T20 करियर की शुरुआत भी की। 21 फरवरी 2019 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से खेलते हुए उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया। 2019-20 देवधर ट्रॉफी के लिए भारतीय बी टीम में उनको शामिल किया गया। आईपीएल में वो मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा है। अब 3रे नंबर पर हम बात करेंगे ईशान किशन की। 18 जुलाई 1998 को बिहार के पटना में जन्मे ईशान किशन झारखंड के लिए खेलते हैं। किशन बाएं हाथ के बल्लेबाज के साथ एक अच्छे विकेट कीपर भी हैं। 2016 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ईशान किशन को भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। 2016-17 के रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ एक मैच में ईशान किशन ने 273 रनों की पारी खेली थी। यही नहीं, 2017-18 के रणजी सीजन में झारखंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी ईशान किशन ही थे। उन्होंने 6 मैच में 484 रन बना डाले थे। वहीं 2018 आईपीएल की नीलामी में ईशान किशन को मुंबई इंडियंस की टीम ने 6.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब बात करेंगे शहबाज नदीम की। 12 अगस्त 1989 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मे बाएं हाथ के स्पिनर शहबाज नदीम ने अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू दिसंबर 2004 में किया था। नदीम ने अपना अंडर
14 और अंडर 19 क्रिकेट बिहार की तरफ से खेला और वर्तमान में वो झारखंड की टीम की तरफ से खेलते हैं। वहीं आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद की टीम का हिस्सा है। सितंबर 2018 में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। लिस्ट ए क्रिकेट मैच में झारखंड की तरफ से खेलते हुए नदीम ने राजस्थान के खिलाफ महज 10 रन देकर 8 विकेट ले लिए। शहबाज नदीम ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत साल 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ की थी। गेंदबाजी के साथ साथ वो थोड़ी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नदीम ने एक शतक भी जड़ा है, वहीं 7 अर्धशतक भी लगाए हैं। नंबर एक पर है एक महिला क्रिकेटर कविता रॉय, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1980 को बिहार के हाजीपुर में हुआ था। दाएं हाथ की बल्लेबाज और मीडियम पेस बॉलर कविता रॉय भारत की तरफ से एक इंटरनेशनल ओडीआई खेल चुकी है। 15 दिसंबर 2000 को उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला था। तो इस तरह हमने आपको बिहार के कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बारे में बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बिहारी न्यूज। इसके साथ ही जाते जाते आपके अनुसार बिहार के किस क्रिकेटर ने बिहार का मान बढ़ाने का सबसे ज्यादा काम किया है, इस सवाल का जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।